नमस्कार दोस्तों, रिव्यू करेंगे इस वीडियो में पडोक्सिम सोअमजी सिरप के बारे में। जानेंगे क्या होती है, क्यों दी जाती है, कौन कौन सी प्रॉब्लम में काम आती है, कितने बड़े बच्चे को कितने दिन तक कितनी दी जाती है, सब कुछ जानेंगे। वीडियो पूरा देखिएगा। देखिए, पडोक्सिम एक ब्रांड नेम है कैडिला कंपनी का। दोस्तों, ये छोटे बच्चों में पिलाने की एक सिरप आती है, इसको चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं। कभी भी इस दवा का सेल्फ यूज मत कीजिएगा। छोटे बच्चों में यानी 1 साल से लेकर 3 से 4 साल तक के बच्चों में दी जाती है। 50 mg में भी आती है और 100 mg में भी आती है, 2 स्ट्रेंथ में आती है। अभी बात कर रहे हैं सोमजी के बारे में, यानी सोमजी है इसका मतलब 2 साल से बड़ा बच्चा ही यूज कर सकता है, ठीक है। या 1 साल से अगर बड़ा बच्चा है तो वहां पर 2.5 ml 2 बार दी जाती है, या 2 साल से बड़ा बच्चा है तो 5-5 ml 2 बार भी हो सकती है। कुछ मामलों में देखा गया कि बॉडी वेट कम होने पर, उम्र अगर ज्यादा है, बॉडी वेट कम है, तो 2.5 ml भी डॉक्टर दे सकते हैं। सब कुछ बॉडी वेट पर देखा जाता है, प्रॉब्लम क्या ये भी देखा जाता है। आपको सिर्फ उतना ही देना है, उतने दिन ही देना है जितना डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया है, ठीक है। इस मामले में कभी भी सेल्फ यूज मत कीजिए। जानते हैं क्या होती है, तो दोस्तों इसके अंदर आता है सेफोडोक्सिम, सेफोडोक्सिम सोमजी। सेफोडोक्सिम दोस्तों 3rd generation ऑफ एंटीबायोटिक होता है। जब बच्चे के बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है तो उस इन्फेक्शन से लड़ने के लिए इस एंटीबायोटिक का यूज किया जाता है। सिर्फ बैक्टीरियल इन्फेक्शन में, वायरल है, फ्लू है, वहां काम नहीं आती है, वहां नहीं देना चाहिए। जानते हैं कुछ प्रॉब्लम के बारे में, जैसे कि लंग्स का इन्फेक्शन, कफ बनना, बुखार आना, बच्चे की बुखार नहीं टूट रहा है, ठीक है, या बच्चे के सूखी खांसी बहुत ज्यादा आ रही है, कफ है बच्चे की, जैसे निमोनिया बनना, तो वहाँ दी जाती है। बच्चे के कोई आंत का इन्फेक्शन है, कोई यूरिन में इन्फेक्शन है बच्चे के, आंख में इन्फेक्शन है, आंख से पानी आ रहा है, दे सकते हैं। इस तरह दोस्तों गले का इन्फेक्शन है, टॉन्सिलाइट प्रॉब्लम है, कोई कान में इन्फेक्शन हो गया है, दे सकते हैं। या बच्चे की कोई स्किन इन्फेक्शन है तो स्किन स्पेशलिस्ट भी डॉक्टर दे सकते हैं। इसी तरह दोस्तों दांत का इन्फेक्शन में भी काम आती है, अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो काम आ सकती है। बात करते हैं भाई काम किस तरह से करती है, तो देखिए ये जो एंटीबायोटिक होती है ये कुछ प्रोटीन्स को, कुछ एंजाइम्स को बनने से रोक देती है। कई बार कुछ प्रोटीन, कुछ एंजाइम्स ऐसे होते हैं जो बैक्टीरिया ग्रोथ को बहुत ज्यादा बढ़ा देते हैं, जिसको खाकर वो जीवित रहते हैं, तो उनको बनने से रोक देते हैं, जिससे बैक्टीरिया खत्म हो जाते हैं। साथ ही साथ जो सेल वॉल होते हैं, जो सुरक्षा झिल्ली होती है बैक्टीरिया की, जो बैक्टीरिया को कवर करती है, उसको भी ये तोड़कर काम करता है एंटीबायोटिक। बात करते हैं भाई साइड इफेक्ट के बारे में, तो साइड इफेक्ट इसके वजह से तो नहीं होते, लेकिन कभी कभार देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। जैसे कि पेट में दर्द होना, दस्त लगना, स्किन रेसेस पड़ना या वोमिटिंग होना, ठीक है, लेकिन ये बहुत ही कम साइज होते हैं, घबराने की बात नहीं है। सावधानी है, डॉक्टर के साथ से देना है, सेल्फ यूज नहीं करना है। दोस्तों देने के बाद भी अगर 2-3 दिन हो जाए, प्रॉब्लम ठीक ना हो, तो तुरंत डॉक्टर को बताना है। मिलते हैं अगले वीडियो में।